आज मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लाई करना मतलब वन अपॉन टू फ्रेंड्स ऐसे जो होता है ना, वन अपॉन टू मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ये है कि आपको जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, तो चलिए करते हैं। तो जैसे आपको चाहिए कुछ और, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे हम लिखेंगे टू अपॉन टेन, ओके, टू अपॉन टेन प्लस थ्री अपॉन टेन, फिर प्लस फोर अपॉन टेन, ओके। तो अब हम लोग यहाँ लाइन खींचेंगे जहाँ हम लोग लिखेंगे काउंटिंग्स प्लस करके। तो बताइए फ्रेंड्स, टेन के टेबल में टेन कितनी बार आता है ना, टेन के टेबल में टेन कितनी बार आता है, वन मार में ना, तो जो वन आया है वो टू में प्लस कर दो तो कितना आएगा, थ्री, ओके। अब इस टेन की बारी, तो टेन के टेबल में टेन कितनी बार, सिंपल है, वन बार में, अब थ्री में प्लस कर दे तो फोर। अब हमारा दूसरा है टेन वन, टेन के टेबल में टेन कितनी बार में आता है, तो वन बार में ही आता ही है, तो फिर से अब हम लोग फोर से प्लस करें तो फाइव। तो आज का आंसर निकालें, तो फ्रेंड्स चलिए इसको प्लस करते हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, तो चलिए करते हैं। तो हमारा आंसर आता है, तो चलिए करते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स की टू, हाँ ये फ्रेंड्स फोर है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो फोर है, फोर में अगर हम लोग थ्री प्लस करें तो कितना आएगा, सेवन ना, तो सेवन है। अब सेवन जो है, सेवन में अगर फाइव प्लस करें तो कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन टेन, ओके। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो ट्वेल्व तो इवन होगा ना, और टेन भी इवन है, तो किसी ना किसी टेबल में ये दोनों आएंगे। तो टेबल पढ़ते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा टेन, टू फाइव जा टेन ना, टू फाइव जा टेन, अब टू सिक्स जा ट्वेल्व ना, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ओके। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सिक्स अपॉन फाइव, ये हमारा आंसर होता है, ओके। अब हम लोग दूसरा करते हैं, अब फिर नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे, ओके। अभी हम लोगों के थ्री पेपर्स बाकी हैं, तो जैसे हमारा, तो अब हम लोग करते हैं यस, तो जैसे हमारा टू अपॉन इलेवन, टू अपॉन इलेवन, ठीक है। अब प्लस करें, फिर फोर अपॉन इलेवन, ओके, फिर प्लस करें, फिर सिक्स अपॉन इलेवन, ओके। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे एक, और यहाँ नीचे इलेवन ही फिर से लिखेंगे। अब हम उसको करें तो कितना आएगा, तो चलिए करते हैं। जैसे इलेवन के टेबल में इलेवन कितने बार आता है, तो वन टाइम में आता है, तो अगर टू में प्लस करते तो थ्री आएगा ना, तो ये थ्री। अब जैसे अब प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब जैसे हम लोग का दूसरा है, इलेवन के टेबल में इलेवन कितने बार में आता है, तो वो सिंपल है, ओके, फाइव बार में, फाइव लगा देते हैं, वन बार में आता है, तो अगर जो वन हो वो फोर में जोड़ दे तो फाइव आएगा। तो ऐसे करके सिक्स को भी हम लोग ऐसे प्लस कर सकते हैं। तो बताइए कि थ्री फाइव सेवन कितना होगा, तो अगर फाइव में एट जोड़े तो कितना आएगा, मतलब फाइव में थ्री जोड़े तो एट आएगा। अब एट में सेवन जोड़े तो चलिए गिनते हैं, एट के बाद नाइन टेन, ओके, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है, फोर्टीन, फिर गिनिए गिनिए फ्रेंड्स फिफ्टीन, ओके,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 15। तो 15/11, तो दोनों ऑड है, पता है दोनों ऑड है, पर अलग अलग टेबल में आते हैं ना। जैसे 11 अपने टेबल पे आता है ना, और किसी और 2 और अपने टेबल में 15 आता है ना, तो ये फिर यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कुछ था कोई था ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे नंबर से था। ओके, तो अभी हम लोग के 2 पेपर्स और बाकी हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा है कि हाँ 4/8। ओके, बच्चों को टेबल नहीं पढ़ना है 8 का। ओके, बस 8 कितनी बार में, 8 अपने 8 के 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, बस वही बताना है। ओके, तो फिर क्या आएगा, फिर हम जोड़ेंगे 6 ऑप्शन, सॉरी 6/8। ओके, तो ये 8 है मतलब, हाँ 8। तो फ्रेंड्स अब यहाँ लाइन खींचेंगे जहाँ हम लोग नंबर प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पे भी 8। तो 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 1 टाइम में, तो अगर 4 में प्लस कर दे तो 5 आएगा। अब प्लस का सिंबल लगाएंगे, अब 8 के टेबल में 8 कितनी बार आएगा 1 टाइम में, तो अगर उसको 5 में प्लस कर दे तो कितना आएगा 6, प्लस का सिंबल। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग का 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 1 टाइम में, अगर वो 1 को 6 में जोड़ दे तो कितना आएगा 7। ओके, इज इक्वल टू, तो पता है कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग पहले क्या किए थे, पहले हम लोग 3 और जोड़ दिए थे 3 में ना, तभी 6 का 6 के जैसे बना। तो फ्रेंड्स देखिए 3+5+7=15। तो 15, तो जो 3 था जो प्लस किए थे उसमें 3 और जोड़ा, तो जो 15 है वो 16, 17, 18 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 18/8। तो फ्रेंड्स क्या पता है कि 18, 8 दोनों इवन है। ओके, पता है कि 18 और 8 दोनों इवन है, पर सॉरी क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग 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 टेबल में आते हैं। तो देखते हैं कि 4 के टेबल में आता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 8 ना, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 28, 4 × 32, 4 × 4 = 40। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग टेबल में आता है ना, 18 9 के टेबल में आता है और 8 4 के टेबल में, तो फिर हम लोग का यही आंसर होगा नहीं। तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, एंड वांस यू ब्लॉग अस अनदर स्टाइल। बाय बाय फ्रेंड्स, और ये मैथमेटिक्स आप याद करते रहे। ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत न्यू है। बाय बाय फ्रेंड्स।